2 अप्रैल को 12:30 बजे 12:30 पर माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी नवादा लोकसभा प्रवास के क्रम में हिसुआ के हाई स्कूल के मैदान में क्या लिखते हैं इंटर विद्यालय हिसुआ के मैदान में 12:30 बजे पधारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अब केंद्रीय नेताओं का, भारत सरकार में केंद्र के आदरणीय वरिष्ठ मंत्रियों का, संगठन के विस्तार और संगठन की सुदृढ़ीकरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार के फैलाव के लिए, और जो केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां है, अब तो 9 वर्ष होंगे 8.5 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, उस सब को लेकर पूरे देश भर में दौरा चल रहा है। और अब सोच सकते हैं कि हमारे इतने बड़े नेता और देश के गृह मंत्री एक लोकसभा के आम सभा को संबोधित करेंगे। उस दिन नवादा में नवादा की महान जनता का आशीर्वाद लेंगे, उनसे संवाद करेंगे और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की कोर कमेटी की एक मीटिंग भी करेंगे। यह उनका कार्यक्रम है। आज मैं जब यहाँ आया हूँ हिसुआ में, नवादा जिले में, तो लोगों का जो उत्साह है, जो वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो माननीय गृह मंत्री जी की आम सभा नवादा लोकसभा की जो होगी उसकी तो तैयारी में लगे ही हैं, लेकिन अनोखा और अद्भुत तरीके से अभी से उत्साह के साथ नवादा लोकसभा की जनता लग गई है। लोगों के मन में उमंग है कि भारत के ऐसे गृह मंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रेरणा में इस देश के हित में कई बड़े बड़े निर्णय, ठोस निर्णय लिए हैं, उनको सुनने के लिए हम पहुंचे और सुनने के लिए लोग आते हैं। अपार भीड़ होगी और कार्यक्रम काफी सफल होगा। नवादा सप्तऋषियों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ की सौंदर्यता भी अनोखा है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। वह समझते हैं कि देश के लिए और अपने बिहार के लिए क्या क्या जरूरी है, किस किस चीज की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का जो नारा है, वह आज देशवासियों ने स्वीकार किया है। इस देश के गरीब, इस बिहार के गरीब, इस नवादा के गरीब अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। इस देश के गरीबों के मन में बहुत दिनों से यह लालसा थी कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, हमारा भी अपना घर होगा, पीने के स्वच्छ पानी होगा, हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका सही से हम इलाज करा पाए, और हमारे भी घर आंगन में खुशियां होगी, हमारे पास भी अपना शौचालय होगा, बच्चे हमारे पढ़ेंगे। यह सोचकर इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, नौजवान मन में कई आशाएं पाले हुए सपने देख रहे थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को एक मसीहा मिला है। नौजवानों को, गरीबों को, माताओं बहनों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको मसीहा मिला है और प्रधानमंत्री जी सबकी चिंता कर रहे हैं। किसानों का यह क्षेत्र है, अच्छा उत्पादन यहाँ के किसान करते हैं। किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, उसकी विस्तृत चर्चा उस दिन होगी। लेकिन आज
इस देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास कर एक जो सपना सजोया है वह देश से गरीबी मिटाने का। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 2047 तक जब हम आजादी के 100वां वर्ष पूरा करेंगे उस समय दुनिया का सबसे प्रति व्यक्ति आय भारत का होगा। इस ध्येय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। पहले इस देश के लिए काम करने वाले, बलिदान समर्पण करने वाले, शहादत देने वाले लोगों की पहचान दिलाने तक के लिए पूर्व की सरकार तैयार नहीं होती थी। भारत के इतिहास ने उनके साथ धोखा दिया, उनके का जसोगान नहीं किया। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश से गरीबी भी मिटा रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश की सीमा भी सुरक्षित है, देश में शांति भी बहाल है, देश में कृषि उत्पादन भी बढ़ा है, देश में उद्योगों से भी उत्पादन बढ़ा है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है और विश्व गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर हो गया। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी के इस कार्यक्रम में अपार भीड़ अभी से उनको सुनने के लिए उत्साहित है, अपार भीड़ उन्होंने